नमस्ते मित्रों, चैनल वी आर आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के इस एक कलाकार के एपिसोड में हम बात करेंगे वन ऑफ द ब्रिलियंट आर्टिस्ट फ्रॉम सच अ प्लेस, एक ऐसी जगह जहां की धरती, जहां की वो खुशबू, जहां की पेड़ पौधे वादियां, वो वेदर, वो क्लाइमेट, वो नेचर, वो नेचुरल सिनेरियो एंड दैट ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल बेस, जो एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करने के लिए जो इनपुट, इंस्पिरेशन, ताकत बोलिए या एक द करंट चाहिए, वो डेफिनेटली उस जगह पे मिलती है। एंड वो एक ऐसी जगह है जहां पे मुझे खुद जाके वहां पे अनुभूति करने की एक बहुत बड़ी आशा है, अभिलाषा है उसकी। हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूं जम्मू स्थित, जम्मू बेस्ड राकेश कुमार, एन आर्टिस्ट हु प्रैक्टिसेस एब्स्ट्रैक्शन और द एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, जो जम्मू में बीएफए खत्म किए, उसके बाद जेजे में जाके अपना मास्टर्स किए एंड देन ही इज बैक टू जम्मू, एक ऐसी जगह, एक ऐसी वातावरण पे जहां पे आर्ट के लिए वो काम कर रहे हैं, वो खुद का भी काम कर रहे हैं एंड आर्ट फ्रेटर्निटी भी काम कर रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उनसे, जानेंगे एंड लेट्स ट्राई टू नो हिज एफर्ट्स, उनकी मेहनत कहाँ जा रही है, उनकी सोच, उनकी विचार, उनकी फिलोसफी, उनके क्या जा रही है। अ वार्म वेलकम राकेश कुमार, चैनल वी आर आर्टिस्ट में आपका स्वागत है। थैंक्स यू वेरी मच बसंत जी फॉर इनवाइटिंग मी to share my view on abstract art and the thought process which I am going through and progressing in abstract work. Yeah. Rakesh, आप जम्मू में रहते हैं। जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है जो हमारे देश की अगर एक आध्यात्मिक विरासत या प्राकृतिक विरासत अगर मैं बोलूं तो उसकी एक बहुत बड़ी जमीन है उसकी। एंड मेरे ख्याल से एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के लिए ये जो एक आध्यात्मिक बेस हो या एक प्राकृतिक नेचर, ये दो बहुत बड़े इंस्पिरेशन है उसको हमारे देश के लिए। एंड यू हैव बीन क्रिएटिंग ब्यूटीफुल एब्स्ट्रैक्ट वर्क। नाउ आप जेजे में पढ़े, एक ऐसी कॉस्मोपोलिटन जगह जहां पे पूरे द एंटायर एनवायरमेंट इज मार्केट ओरिएंटेड, इज इंडस्ट्री, इज लाइक यू नो, एक भाग दौड़ की जिंदगी वहां से शुरू की एंड देन गोइंग बैक टू जम्मू जहां पे एवरीथिंग इज वंस अगेन सीनिक, नेचुरल ब्यूटी, एक वेरी फोकलोर है उसकी एक, राइट? तो ये ट्रांजिशन, मतलब एक कॉस्मोपोलिटन में जहां पे आपने सीखा, पढ़ा एंड वापस यू गो टू अ प्लेस विच इज सो यू नो, इट्स नॉट, इट्स एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ मुंबई वॉटसन। तो आपकी इस एब्स्ट्रैक्ट आर्ट क्रिएट करने की दोनों एनवायरनमेंट में कैसी चल रही है एंड व्हाट वाज दैट? पहले तो मैं आपको अपना एकेडमिक थोड़ा प्रोसेस बताता हूँ कि क्योंकि मैं जनरली एब्स्ट्रैक्शन को देखता हूँ, लोगों का मानना है कि एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करना केवल रंगों के साथ खेलना है, या दो दो तीन लाइनें ऐसे खींची और कलर लगाए और उसको वो एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। लेकिन मेरा जो एक प्रोसेस गया एज ए एकेडमिक स्टूडेंट, तो मैंने पूरा बेसिक से चीज़ों को अंडरस्टैंड करके धीरे धीरे चीज़ों के प्रोसेस को समझा, फिर धीरे धीरे जो मुझे लगा कि मैं मुझे कौन सी चीज़ें छोड़नी चाहिए, कौन सी पकनी चाहिए, सिलेक्शन एंड रिडक्शन प्रोसेस दैट्स नॉट हैपनिंग। फॉर एग्जांपल हमारा जो बेसिक ट्रेनिंग हो रहता है उसमें स्टिल लाइफ, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, फिगरेटिव स्ट्रक्चर, सेमी फिगरेटिव स्ट्रक्चर, कलर, कलर परसेप्शन, द साइकोलॉजी ऑफ कलर, ये सब चीज़ों को जानकर धीरे धीरे मुझे लगा कि कहाँ पे मुझे फ्लाइट लेनी चाहिए और मुझे अपनी लैंग्वेज डेवलप करनी है। तो जम्मू में बीएफए करते वक्त मुझे थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्शन की तरफ जाने लगा था। तो जब मैं जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में गया तो वहाँ पे नेचुरली एक जगह, जम्मू से जाकर आप बॉम्बे में कॉस्मोपॉलिटन कल्चर में जाते हो तो आप एकदम अचंभे से रह जाते हो कि आपने एक अलग सराउंडिंग देखी है और वहाँ पे एकदम अलग सराउंडिंग है। तो मेरे काम में फिर मैंने वही रूट जो मेरे जेएनके के थे उसको पकड़ के रखा, वहाँ पे नहीं कि बॉम्बे में गए और बॉम्बे में वहाँ पे हैपनिंग हो रहा है जो आर्ट का, वो सब मैं देखता था, आर्टिस्टों से बातचीत करता था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसको मैंने पकड़ा नहीं। आई ट्राई टू यू नो गो डीपर इन टू विद इन माई सेल्फ रादर देन वॉट इज गोइंग आउटसाइड। इसके लिए मैंने बड़ा सुंदर लिखा भी हुआ है, काश मैं जान पाता उसको जो भीतर बांधा है मुझको,
कि मैं मेरी जो सर्च थी वो बीकर जो असेंस है उसको पकड़ने के लिए, इट्स लाइक टू कैप्चर द स्वीटनेस ऑफ एप्पल रादर देन द एप्पल। तो ये प्रोसेस में मैं मतलब सोचता रहता था, और आई हैव स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद इन माई ओन यू नो सेक्लूडेड प्लेस, इवन इन रिमेन इन बॉम्बे। तो वहां पे काम में चेंजिंग आई नेचुरली, आप एक जगह जाते हो, वहां का लोकल एनवायरमेंट, वहां के लोग, वो इफेक्ट करते हैं आपके काम को। फॉर्म जो मेरी वो ज्योमेट्रिकल होगी, थोड़ी रिजिड फॉर्म होगी, कलर थोड़े, जो मेरा स्ट्रगल चलता था वहां पे, तो कलर में बड़ी डार्कनेस वगैरह, डार्क कलर इंटेंसिटी काफी बढ़ गई वहां पे कलर की, और ज्योमेट्रिकल फॉर्म ज्यादा डोमिनेट हो गई। लेकिन जैसे ही मैं जेएनके में आया, वहां पे 2007 में मेरी यहाँ पे जॉब लगी कश्मीर यूनिवर्सिटी में, द मोमेंट आई कम केम टू कश्मीर, सो इट वॉज माई फर्स्ट यू नो टाइम आई विजिट कश्मीर, जम्मू में रहते हुए भी। कि क्या जब बात मैंने वो स्पेस देखी, वो रंगों का एटमोसफेयर देखा, वो सुंदर यू नो प्रकृति का खेल देखा, कि वहां पे आप फोटोग्राफ लेके किसी भी जगह पे क्लिक करो तो वो अपने आप में एक फॉर्म क्रिएट हो जाती है। सही बात तो मेरे काम में मतलब कोई भी एक सेंसिबल बींग अगर वो यहाँ पे आएगा, उसके काम में 100% चेंजिंग आएगा, और वो मेरे काम में आया, फॉर्म डाइल्यूट होने लगी, इट्स बिकम्स जस्ट लाइक ए फ्लो ऑफ कलर रादर देन ए रिजिड स्ट्रक्चर। तो मैंने यहाँ पे काफी काम किया, तो वो जो काम किया मैंने, मैं नौकरी भी करता हूँ और साथ साथ में काम भी किया करता हूँ। तो चार बजे तक मैं समझता हूँ कि मैं टीचर हूँ, आई थिंक ओनली अबाउट स्टूडेंट, कि इनको मैं कैसे कैसे इनको लिबरेट करूँ, इनके अंदर जो चल रहा है उसको जानूँ। 4 बजे के बाद आई ओनली थिंक अबाउट एज एन आर्टिस्ट। तो मैं काम करता था, उसी काम के दौरान मैं कुछ काम किए जिसका मैंने शो किया बॉम्बे में, शो का टाइटल था वॉइस ऑफ साइलेंस। अनफॉर्चुनेट इज दैट वो सारा काम मेरा स्टोलन हो गया। मेरा क्या बात दोस्त है एक बॉम्बे का, जी, मेरा दोस्त है एक बॉम्बे में, महेश करके, उसके स्टूडियो में था, बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज स्टोलन, स्टिल दैट पेन इज विद इन मी बिकॉज दैट वॉज वेरी क्लोज टू माई मीन टू हार्ट से काम। ऑल द 20 वर्क्स, आई मीन व्हाट एवर यू एग्जिबिटेड, गायब, स्टोलन? या स्टोलन हो गया है। सो आज कभी भी जब मैं वो काम देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है मेरे को, क्योंकि आप एज एन आर्टिस्ट आप समझ सकते हैं कि एक काम के साथ आर्टिस्ट का अटैचमेंट कितना होता है, हाँ यार, इट्स अ पीस मतलब ऑफ योर सेल्फ। एक दो स्टोलन हो गए मैं समझ सकता हूँ, तो भी दर्द होता है, बट दैट एंटायर बॉडी ऑफ वर्क, या अरे रे रे। उस वो कैनवस पे जो काम किए थे, आई थिंक वहां पे इट वाज लाइक जम्मू कश्मीर में रहते हुए, आई थिंक द एसेंस ऑफ दैट वाज मोर ऑन यू, क्योंकि मैं व्हेन आई सी योर एब्स्ट्रैक्ट वर्क, उसमें यू हैव अ वेरी टाइट रिजिड कॉम्पोजिशन विद स्ट्रॉन्ग लाइंस, एक वेरी दिस थिंग। लेकिन व्हेन आई सॉ द आपने जो इमेजेस दिखाए जहां पे वेयर इट्स जो एब्स्ट्रैक्शन है वहां पे वो काफी फ्रीडम है, देर इज लॉट ऑफ स्पेस, वो रिजिडनेस चला गया एंड वो स्पेस में बहुत खेला उसमें, मतलब वो उसमें वो हवा की फीलिंग आती है, वो जब कोई पेंटिंग में जब देखते हो तो उसमें वो हवा की फीलिंग आनी चाहिए कि इस एनवायरमेंट में हवा है, दैट ब्रीदिंग स्पेस, वो चीज बहुत खूबसूरत दिखाई दी। तो इसलिए मुझे वो क्यूरियस लगा कि इतने रिजिड टाइट ज्योमेट्रिकल कॉम्पोजिशंस, वेरी आई मीन, एंड कलर्स भी एकदम लाइक स्ट्रॉन्ग, ऐसा लग रहा है कि सब हट्टे कट्टे खाते पीते खानदान के, मतलब जिम, हाउ जिम गया हुआ बॉडी कैसा रहता है, वेरी स्टिफ रिजिड एंड ऐसा, व्हेन यू केम हियर इट वाज वेरी प्लेफुल, वेरी मतलब इसने। सो ये ट्रांजिशन के बारे में मैं थोड़ा क्यूरियस था। ये ऐसा ही है कि जब आप नेचर के सामने इतना प्रोफाउंड नेचर देखते हो तो खुद को छोटा आप समझना शुरू करते हो, कि नेचर अपने आप में इतना खूबसूरत क्रिएट कर रही है, रंग इतने सुंदर हैं, और एटमॉस्फेयर जो है वो अपने आप में इतना स्पिरिचुअली इनरिच रहता है, कि आपको ऐसा लगता है कि यू आर अ वेरी टीनी पार्ट ऑफ दिस कॉस्मोस, एंड योर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सब्सक्रिप्शन इंक्रीज, यू थॉट दैट सच ए वंडरफुल क्रिएशन इज हैपनिंग, वाई नॉट आई क्रिएट समथिंग, यू नो ए काइंड ऑफ एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट टू दिस होल स्ट्रक्चर ऑफ नेचर। तो आप लूज करते हो अपने आप को। तो मैं ऐसा समझता हूँ, मेरा प्रोसेस जो ऑब्स्ट्रक्शन का है, जब मैं कैनवस के पास होता हूँ तो इट्स ऑल अबाउट वाइट स्पेस, ओके,
द मोमेंट आई स्टार्ट यू नो देर इज ओनली अ समथिंग यू नो काइंड ऑफ ए आइडिया इट्स अ ब्लरी काइंड ऑफ अ थिंग इट मे बी अ पीस ऑफ म्यूजिक आर सम इंटरेस्टिंग थॉट दैट आई रीड थ्रू बुक द प्रोसेस हैपन ऑन द कैनवस सो इट्स ए बैटल बिटवीन मी एंड द कैनवस स्टार्स समटाइम कैनवस विन करता है समटाइम मैं विन करता हूँ तो इट्स नॉट यू नो ऑल द टाइम दैट यू मेक ए गुड पेंटिंग और ब्यूटिफुल काम करना मेरे हिसाब से आर्ट नहीं है काम हो जाता है आपसे एग्जैक्टली इट हैपन्स सो आपको हाउ टू यू नो काइंड ऑफ ब्रिंग दोज थिंग दैट आर्ट हैपन थ्रू यू किस तरह से वो स्पेस हम अपने अंदर लाएं कि काम आपके थ्रू घटे तो उसके लिए सिंपल सी बात जो मुझे रियलाइज हुई है डेवलप योर सेल्फ रादर देन द पेंटिंग अपने आप को खोजो क्योंकि आपका रिफ्लेक्शन ही आर्ट है। मैं बहुत बार बहुत लोगों से बात करता हूँ रिफ्लेक्शन के बारे में तो मुझे ऐसा लगता है लोग ज्यादा स्टोरी टेलिंग की बातें करते हैं दे डोंट टॉक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग ऑन द कैनवस दे टॉक अबाउट द स्टोरी बट स्टोरी अब्स्ट्रैक्शन में स्टोरी नहीं है बड़े अच्छे आर्टिस्टों ने बोला है कि ए ट्रू आर्ट ट्रू वर्क ऑफ आर्ट शुड गो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस सो इट्स मोर अबाउट कॉन्शियसनेस यू नो वेयर यू लूज योर आई पार्ट अपने होने का एहसास खत्म होता है और आप एक अननोन स्पेस पे एंटर करते हो तो इट्स ए रिस्की जॉब एट द सेम टाइम अब्स्ट्रैक्शन करना एक रिस्की जॉब है आसान नहीं है मुझे बड़े लोग कहते हैं कि ये काफी लोग कहते हैं कि अब्स्ट्रैक्शन रंग लगाना और आर्ट है बट ये नॉनसेंस है दिस इज नॉट द वे इट्स योर लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इट्स लाइक बी एन एब्स्ट्रैक्ट पेंटर बड़ा टफ काम है तो इसके रेलेवेंस में आपको मैं एक स्पिरिचुअल बात शेयर करना चाहता हूँ आपने रामकृष्ण जी का नाम सुना है स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी थे उनके उनको एक स्टेज में ऐसे आई एम नॉट यू नो स्टेटिंग दिस थिंग इन एज ए स्पिरिचुअल बींग बट एज 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 मेकिंग इट अंडरस्टैंड टू अब्स्ट्रैक्ट आर्ट क्योंकि कभी कभी आप कुछ चीजों को वहां से लेकर अब्स्ट्रैक्शन को करेक्ट समझने में आपको हेल्प हेल्प होती है करेक्ट तो उनके गुरु थे तो वो एक स्टेज में अपने गुरु जी के पास गए उनके गुरु जी का नाम था तोतापुरी स्वामी रामकृष्ण जी के वो कहने लगे मास्टर मैं एक स्टेज में ऐसे फंस गया हूँ यहाँ पे ड्यूअलिटी में फंस गया हूँ मैं वेन एवर आई गो वेर एवर आई सी ओनली कॉलिंग नथिंग एल्स सो आई एम स्टिक विद इन द इमेज मैं इमेज में फंस गया हूँ तो मास्टर ने कहता नो प्रॉब्लम आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम कहते हैं कि एक एक तलवार लो और उस काली को काटो जब भी आपको ध्यान में काली दिखे वो कहते मैं कैसे काटूंगा उसको कहते गो बैक आप वहां वापस जाओ जहां से आपने काली लाई है मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हम सारी चीजें अपने माइंड से क्रिएट करते हैं और माइंड से ही इसे काटना पड़ेगा तो इसके लिए एक सेइंग है पर्स द इंटेलेक्ट विद इंटेलेक्ट तो अब्स्ट्रक्शन इज एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज ये एक्सरसाइज है जो धीरे धीरे जैसे जैसे आदमी ग्रो होता है वैसे वैसे वो हम्बल होता जाता है क्योंकि उसको लगता है कि ये अननोन स्पेस है जितना मैं जानूंगा उतना ज्यादा ये एक्सपैंड होती है स्पेस बहुत सही है। लेकिन एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है राकेश जी, आई डोंट आई वुड लाइक टू नो योर व्यू आल्सो ऑन दिस। लाइक राइट मैंने काफी एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट से बात की है उनकी, या जिनको काम देखा है मैंने, उनके काम अच्छी है, बहुत अच्छी है, गैलरीज में बहुत अच्छी सेल होती है, मैं ना नहीं बोलता उसके लिए, एंड आई एम फाइन विद इट, मुझे कोई इसमें ये नहीं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट क्रिएशन वो मार्केट ओरिएंटेड बन गई है काफी चीज, मतलब ये इस तरह के बनती है, साइज देखो, कलर देखो, फॉर्म्स देखो, इसको इतना इतना तोड़ तोड़ के ऐसा बना। लेकिन जब मैं आर्टिस्ट के साथ बात करना शुरू करना चाहता हूं, या मैं आई कम टू अ पॉइंट, या बहुत जल्दी पता चलता है कि ये आर्टिस्ट के पास फिलॉसफी नहीं है, एक एक ना ही इट इज एक फैक्ट्री की तरह प्रोडक्ट बन रही है, राइट रादर देन वो इंटेलेक्चुअल जो एक्सरसाइज का, वो उसमें तालीम नहीं हो रही है। सो व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन ऑन दैट? बिकॉज मैं इसलिए पूछता हूं बिकॉज यू आर एन आर्टिस्ट एंड ऑल्सो यू आर अ टीचर देयर, बिकॉज इट्स नॉट ओनली दैट यू आर क्रिएटिंग बट यू कैन सी यंग जनरेशन कमिंग देयर ऑल्सो कि ये क्या सोचते हैं। नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि यू कैन थ्रो सम लाइट बिकॉज यू हैव सीन द पास्ट जो कर रहे हो। आपने बड़ा सुंदर मतलब आपके मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ आप
टू द पॉइंट चीजों के बारे में बात करते हो, जो काफी अच्छा है कंटेम्परेरी आर्ट के हिसाब से, क्योंकि चीजों को जब तक हम समझे ना तो उसकी ग्रेविटी हमें समझ में नहीं आती। अभी मैं देखता हूँ कि गैलरी एक एक पॉइंट पे, मैं निगेट नहीं करता हूँ गैलरी, कहीं ना कहीं पे दे आर हेल्पिंग आर्टिस्ट, कुछ बिल्कुल ऐसे आर्टिस्ट बिल्कुल भी है जिनको हेल्प हो रहा है, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा भी हो रहा है कि कुछ लोग गैलरी के लिए काम कर रहे हैं। मतलब गैलरी अगर बोलेगी आपको इस तरह से काम करना है तो वो ऐसा काम करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका रियल नेचर एज एन आर्टिस्ट है ही नहीं। अगर आप जैसे हम, अगर हम वेंगा को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, उसके अपने टाइम पे काम सेल नहीं हुए, लेकिन वो जानता था कि मैं जो कर रहा हूँ इट हैज अथेंटिसिटी, इट हैज अ पावर, इट हैज अ पावर, इसमें कुछ एक ऐसा है जो जिसके लिए मैं बना हूं। अगर आर्टिस्ट इस तरीके से सोचेगा कि मेरा कोई लक्ष्य है या मेरा कुछ एक फीलिंग्स है या इमोशन है या थॉट है, उसको मैं 100% प्रोजेक्ट करता हूँ और मैं वही करना चाहता हूँ जो मैं, जो मेरे भीतर चल रहा है, तो वो इन चीजों से बाहर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा आ गया है। मैं क्लास में भी जब भी होता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, कॉलेज के स्टूडेंट्स को, तो उनको मैं कहता हूँ कि आप पहले देखो सब कुछ, सब चीजें जानो, हर तरह के ट्रेंड के बारे में पढ़ो, समझो क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उसके बाद अपनी एक स्टेटमेंट बनाओ। केवल इंफॉर्मेशन लेकर स्टेटमेंट बनाना वो अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल, हम जितनी बोरोड हिस्ट्री देखते हैं इंफॉर्मेशन आर्ट में, आपकी, जी बोरोड हाँ या इंफॉर्मेशन। तो वॉरोड इन्फॉर्मेशन और सेल्फ नॉलेज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोरोड इन्फॉर्मेशन ज्यादा देर के लिए टिकती नहीं। जी नहीं मुझे वो बात से, एंड गैलरी वाले कर रहे हैं, मैं डेफिनेटली उसको अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि आर्ट फील्ड में राइट, पैसा भी चाहिए, विदाउट मनी यू कांट ऐसा भी डू। चल, ओके, राइट राइट एंड काफी आर्टिस्ट लोग गैलरी के लिए या कमर्शियल पॉइंट पे करते, करना चाहिए क्योंकि पैसा आता है उससे, हाँ बिकॉज एंड ऑफ द डे यू हैव टू पे द बिल्स। राइट बिल्कुल उसमें, लेकिन कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो एक आर्टिस्ट की सेल्फ खोज, एक रिसर्च या एक इनोवेटिव प्रोसेस, एक सेल्फ एक्सप्लोरेटरी हो के एक सेल्फ है, उसकी जितना परसेंटेज होना चाहिए उतना नहीं है, वो बहुत कम है उसमें। एंड द कम है, अदर थिंग इज गेटिंग हाईलाइटेड, दैट इज माई ऑब्जर्वेशन, लाइक एंड हमेशा मुझे, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू नो अदर्स व्यूज ऑल्सो, नो कि यस क्या यस मेरी ऑब्जर्वेशन, व्हाट एवर आई एम थिंकिंग इज राइट रॉन्ग, ऐसा इसलिए मैंने पूछा ये सवाल। बड़ा सुंदर था आपका ये। जी रिसर्च एस्पेक्ट बहुत, अनदर एक और एक चीज मुझे पूछनी थी आपसे, बहुत एक इंटरेस्टिंग क्यूरियस पहलू मुझे ये थी कि सी यू आर एन आर्टिस्ट फर्स्ट, आप खुद क्रिएट करते हैं, सेकेंड थिंग इज लाइक यू वर्क विद स्टूडेंट्स, आप टीच करते हैं, तो जब आप टीच करते हैं तो यू आर इंटरैक्टिंग, यू आर गिविंग समथिंग, वेर एज वेन यू आर एज एन आर्टिस्ट यू आर टेकिंग समथिंग, यू आर एक, बट तीसरी पहलू भी एक है, दैट यू यू ऑल्सो राइट, यू एनालाइज अबाउट अदर्स वर्क, यू राइट अबाउट आर्टिकल, यू राइट आर्टिकल्स, यू मेक प्रेजेंटेशंस फॉर अबाउट अदर आर्टिस्ट ऑल्सो, आर्ट वर्क ऑल्सो। नाउ ये थ्री डायमेंशन में चलता है, नाउ आई डू द, मैं भी करता हूं इसको ऐसा, बट ये थ्री जी डायमेंशन में इसकी एक एक्सप्लोरेशन जो है, इसकी एडवेंचर जो है, ये एक अलग लेवल पे है, एंड वो हमको थ्री फोल्ड्स में हमको यू नो जैसा आपने कहा कि इंटेलेक्ट को मारने के लिए इंटेलेक्ट ही चाहिए, राइट द ओल्ड इंटेलेक्ट, अपना ओल्ड बिलीफ्स को मारने के लिए नया बिलीफ्स आता है, नया सिस्टम्स आता है, राइट करेक्ट। राइट सो हाउ इज दिस इन योर प्रोसेस, ये थ्री टायर सिस्टम, मतलब एक आर्ट एज अ टीचर, एज एन आर्टिस्ट एंड एज अ राइटर, व्हाट यू सी लाइक। मैं इसलिए सवाल पूछता हूं, ये मैं इसलिए पूछता हूं, जस्ट अ जी मिनट, क्योंकि हम जब दूसरों को बोलते हैं, स्टूडेंट्स को बोलते हैं, तो हम बात कर रहे हैं, हमारी ऑडियो है, लेकिन राइट जब हम पेंट करते हैं तो हम मुंह बंद करते काम करते हैं, हमारी एक्शन है, लेकिन जब हम वेरी किसी नाइस और के काम को एनालाइज करते हैं, वहां पे साहित्य का वर्ड होता है, नाउ दैट इज लिटरेचर, राइट यू नो फॉर राइट एग्जाम्पल एप्पल इज स्वीट, एज एन आर्टिस्ट हम एप्पल ड्रॉ कर सकते हैं, स्वीट कहाँ ड्रॉ करेंगे, राइट वो राइट लिटरेचर का वर्ड है। सो यू नो राइट यू फाइंड दिस थिंग लाइक, सो मुझे, मैं जानना चाहता हूं कि आपकी एक्सपीरियंस कैसा है एज अ टीचर, एज एन आर्टिस्ट, एज अ राइटर, एज अ दिस थिंग, हाउ डू यू फाइंड दैट? दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पहला जो पहलू मेरा टीचर का है, तो जब मैं बच्चों के बीच में होता हूँ तो
मेरा ये परसेप्शन रहता है कि मैं उनको पेंटिंग सिखा नहीं रहा हूँ, आई एम रादर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर माइंड, उनका माइंड क्या है, उनमें चल क्या रहा है, क्या सोचते हैं, किस तरह की फीलिंग्स उनके अंदर है। तो रंगों की भाषा तो वो टेक्निकल, दैट इज टेक्निकल थिंग्स जो हम कॉलेज एकेडमिक में सिखाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो टेक्निकलिटी को उभारने के लिए जो एक स्टूडेंट है उसको समझना जरूरी है। तो वहां पे मैं स्टूडेंट के परसेप्शन को समझने की कोशिश करता हूँ, अकॉर्डिंगली दैट आई गिव देम अ मेडिसिन, यू नो जैसे डॉक्टर मेडिसिन बिल्कुल देते हैं उसी बेहतर, हिसाब से करेक्ट। मैं, यू नो आई गिव देम असाइनमेंट्स कि मे बी कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं दे आर यू नो वेरी इंटेलेक्चुअल, ग्रेविटी काफी अच्छी रहती है, सो मे बी दे आर गुड एट कंसेप्चुअल काइंड ऑफ अ वर्क। सम स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो फ्री फ्लो परसेप्शन की तरफ जाना चाहते हैं, तो उनको मैं धीरे 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 फॉर्म करके करके अब्स्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता हूँ। कुछ ऐसे रहते हैं जो इन बिटवीन रहते हैं, जिनको नाम भी कमाना है चीजें भी समझनी है, तो उनको मैं मतलब अपने हिसाब से जैसे जैसे समझ में आता है उस हिसाब से, सम टाइम आई विल डू इंटरेक्शन विद यू देयर, यू नो कुछ चीजों स्टूडेंट पे जो काम किया है आई विल ऑल्सो शो यू दैट। सेकेंड लेवल जो मेरा एज एन आर्टिस्ट है वो मेरा वो ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं सही मैंने मैं बोलूं कि पेंटिंग पेंटिंग जो ये बोलने वाली चीजें कम है, क्योंकि मैं खुद लिखता भी है, आप भी लिखते हैं, पेंटिंग जब मैं कैनवस के पास होता हूँ तो उस मोमेंट पे मुझे ये रियलाइज होता है कि द स्पेस बिटवीन मी एंड द कैनवस इज वास्ट, इट बिकम्स ए वन। वो जो एहसास है वो उसके लिए मैं तड़पता हूँ अपने काम में, और वही मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें हम संसार में इस दुनिया में जितने भी लोग हैं तो हर समय यू नो माइंड से ही प्ले करते रहते हैं, कभी कभी ऐसी स्पेस आती है वो एंट्री टू द साइलेंस की जोन में चले जाते हैं। अल्टीमेटली व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ अगर देखा जाए तो क्या है, मतलब इज इट टू अर्न द नेम फेम आर योर सेल्फ, या अपने आप को खोजना है। सॉक्रेट्स जिसे हम फर्स्ट फिलोसफर कहते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल मुझे बड़ा पसंद आता है कि इतने उनका मतलब इतनी बड़ी दुनिया उनको मानती है, उनका द ओनली थिंग आई नो दैट आई नो नथिंग। इतने महान करेक्ट, आदमी होने के बावजूद ये बात कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं आता है, ये समझना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अब्स्ट्रक्शन में ऐसा होता है, आप एक काम करते हैं ग्रेविटी आपके दूसरे काम के लिए चले जाती है, फिर तीसरे के लिए, सो इट्स ए कॉन्स्टेंट प्रोसेस एज इफ यू आर इन टू कॉन्स्टेंट फ्लक्स, आप चल रहे हैं कहीं इसका अंत ही नहीं है, और इस मिस्ट्री का ही मजा है। अगर आपको चीजें समझ आई तो समझो आप मतलब चीजों का आप पूरा कंप्लीटली समझ ही नहीं सकते, बिल्कुल ये अननोन जो है सटलनेस है, इसका एक अपना मजा है। और मुझे ऐसा लगता है पेंटिंग भी मेरे लिए एक टूल है, एक टाइम पे मुझे लगा कि पेंटिंग से मुझे थोड़ा बहुत समझ आया तो मे बी मैं इसको छोड़ भी सकता हूँ, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सही बात, किसी चीज से स्टिक रहना कहीं ये हैबिट ना बन जाए आपकी, सही ठीक है बात। ना। तो चीजों से बाहर निकलना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो वी आर ऑल ट्राइंग। अब बात रही मेरे तीसरे पक्ष की, लिखने की, वो मैं दूसरे के थ्रू खुद को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ थ्रू राइटिंग, कि वो किस तरह से सोचते हैं, वो क्या करते हैं, किस तरह से उनका प्रोसेस है। कहीं कहीं पे खुद को मैं रिलेट कर पाता हूँ, कहीं कहीं पे मुझे लगता है कि ये थोड़ा अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, वहां पे मैं अपनी तरफ से सजेशन भी देता हूँ, जितना थोड़ा छोटी मोटी सोच में समझ मेरे को है वो देता हूँ मैं सजेशन अपने हिसाब से, चाहे वो कोई भी आर्टिस्ट हो। तो कहीं कहीं उनसे भी समझने की कोशिश करता हूँ सीनियर आर्टिस्ट से। अभी रिसेंटली मैं आर्टिस्ट उनका मैंने आर्टिकल लिखा था, भगवान करके हैं, उनसे मिलके काफी अच्छा लगा, वेरी सिंसियर पेंटर। सो इस तरह से काफी फील्ड में बड़े सिंसियर पेंटर भी हैं जिनसे मिलकर आपको अच्छा लगता है कि सब कुछ लोग ऐसे हैं जो फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, और उनकी जो कर रहे हैं वो खुद भी हैं, मतलब दो नहीं है वो, सही बात। ऐसा भी है। जी, यू आर बेस्ड इन कश्मीर, इन जम्मू कश्मीर, करेक्ट? जम्मू है। जम्मू में, वहां पे हाउ डू यू सी द, ऑफ कोर्स, क्या जम्मू कश्मीर एक ऐसी राज्य रही जो बिकॉज ऑफ वेरियस पॉलिटिकल रीजंस या इश्यूज की वजह से वो देश के हमारे बाकी राज्यों के हिसाब से वो थोड़ी उतनी कटी रही वो, एंड वहां पे उतने सारे अच्छा आर्ट, मतलब यू अभी तक नामी आर्टिस्ट आए नहीं, बहुत लोग नहीं है, बहुत कम है ऐसा मुझे लगता है। आई डोंट नो इफ माय नॉलेज, इफ आई एम करेक्ट, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग।
लेकिन ये अभी शुरुआत हुई है आने के लिए, इट्स बढ़ रही है, तो आपको वो पोटेंशियल कैसा लगता? सो एज अ टीचर, व्हाट डू यू सी द पोटेंशियल फॉर ग्रेट आर्टिस्ट इन जम्मू कश्मीर रीजन और समथिंग लाइक? मैं दरअसल से यहाँ तक मेरा मानना है, मुझे 10-15 साल हो गए एज ए टीचिंग में, मुझे लगता है यहाँ पे पोटेंशियल भरा हुआ है, बच्चों में जाने की उत्सुकता है, काम करना चाहते हैं, लेकिन ये कि एक्सपोजर पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कॉस्मोपोलिटन सिटीज में एक्सपोजर है उस पॉइंट ऑफ व्यू से लेस है, और यहाँ पे सिचुएशन भी पोलिटिकल बड़ी रही, ऐसी बातें रही, उससे फर्क पड़ता ही है, लेकिन आने वाले टाइम में प्रयास चल रहा है, आप देखेंगे काफी अच्छे आर्टिस्ट निकलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे पुरानी अगर आप हिस्ट्री जाएंगे यहाँ पे बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, अनफॉर्चुनेटली कि उन पे इतना ज्यादा लिखा नहीं गया, बहुत अच्छे आर्टिस्ट रहे हैं यहाँ पे जिन्होंने हर एक फील्ड में काम किया है, चाहे वो लिटरेचर हो, पेंटिंग हो या थिएटर हो, तो इस तरह से हो रहा है काम यहाँ पे काफी। आपके वर्क्स यूजुअली दे आर मिक्स मीडिया में है ना? आई थिंक जी सो. इसमें वेर आई थिंक सो व्हाट इज द मीडियम ऑफ वर्क दैट यू डू? मैं पहले तो ऑयल में भी किया काम, मैंने अक्रेलिक में भी और डिफरेंट मीडिया इसमें किया है, लेकिन जब मैं कश्मीर में अब नौकरी लगा था तो मैंने उस टाइम पे पेस्टल में काम शुरू किया, और उसका भी एक रीज़न था क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि मैं लूज हो रहा हूँ चीज़ों में, खो रहा हूँ, तो अक्रैलिक में यू नो यू फाइंड वेरी प्लास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल, तो वो जो प्लास्टिसिटी है तो वो मुझे लगा कि इसके साथ नहीं जाएगी, स्पेस के साथ, सो मैंने यू नो पेस्टल मीडियम जो है वो एक बड़ा फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ मीडियम है, वो मतलब ऐसा है कि आप काम कम करते पेस्टल ही खत्म हो जाता है, तो वो डस्ट डस्ट में मर्ज हो जाती है, तो उसमें से काम क्रिएट हो जाता है, यू नो तो वो जो फीलिंग है मेरे को, वो फीलिंग मैं उस मीडियम के थ्रू ही लाया पाया। समटाइम आपको जैसे हम किसी से बात करते हैं तो आपको पर्टिकुलर शब्द चाहिए होते हैं वो चीज एक्सप्रेशन को यू नो देने के लिए, इसलिए मुझे वो पेस्टल यहाँ पे सूटेबल लगा एक्सप्रेशन देने के लिए, इस फील को, इस सटलनेस को, इस मिस्टीरियस फील को क्रिएट करने के लिए, तो मैंने वो पर्टिकुलर मीडियम चुना, और ऐसे मैं एक्सपेरिमेंटेशन करता रहता हूँ, कभी कभी दो दो तीन तीन साल के लिए ब्लैक एंड व्हाइट पे काम करता हूँ, कभी रियलिस्टिक ड्राइंग करता हूँ, स्टिल लाइफ करता हूँ, क्योंकि कभी कभी आप स्टिक हो जाते हैं कि काम से अपने पोर्ट्रेट अब्स्ट्रक्शन आपको काफी ज्यादा यू नो इट्स वेरी ये आपको आपको काफी हिला हिला देती है अब्स्ट्रक्शन, तो कभी कभी आपको रियलिस्टिक काम करना चाहिए आपको रिलीज करने के लिए खुद को, मेंटल लेवल पे आपको अच्छा लगता है कि चलो अभी क्योंकि वहां पे तो कुछ नहीं है, जो देखना है उसको पेंट करना है, करेक्ट, यहाँ पे तो जो है नहीं उसको पेंट करना है, तो कितना मुश्किल है, तो कभी बिल्कुल. कभी रिलैक्स भी चाहिए आपको, तो मैं डिफरेंट चीज रहता हूँ, कभी बुक पढ़ लेता हूँ, कभी ऐसे दोस्तों के साथ घूमने चले गए, तो इट्स ए काइंड ऑफ यू नो अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट थिंग्स इन ए डिफरेंट वे। आपके काम में ज्यादातर से ये एक डेस्टिनेशन नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस है, एक खोज की प्रोसेस ज्यादा दिखाई देती है. सर इट्स ए पाथलेस पाथ, सॉरी, या इट्स अ सर इट्स ए पाथलेस पाथ. पाथलेस पाथ पाथ, या बिकॉज डेस्टिनी कहीं ना कहीं फंस जाएंगे हम। तो एंड वो चीज बड़ा अनंत है. मैं हमेशा कहता हूं कि ये एब्स्ट्रैक्ट वर्क वर्ड की जो ट्रांसलेशन है अनंत की, जो सी बेसिकली कैसा है, अमूर्त कला जो हमारी इसमें हाँ था इंडियन कॉन्टेक्स्ट ना, में है, उसका जो ट्रांसलेशन एब्स्ट्रैक्ट है, मैं उसे नहीं मानता, क्योंकि मुझे बहुत सीमित लगता है. नहीं सही क्योंकि बात है, बिल्कुल आई एग्री। अमूर्त है वो, अनंत है वो, एक ऐसी पॉसिबिलिटीज है उसमें. एंड आपकी काम में वो प्रोसेस, वो एक मिस्ट्री को खोज करना, उसकी डेप्थ की बहुत सुंदर दिखाई देती है मुझे. आई फील दैट कि यू नो ऐसा चल रहा है कि बहुत बड़े गहराव में जा रहे हैं सब इसमें. सो आई हैव टू क्वेश्चंस इसमें आपके इसमें. आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट वर्क की जो खोज है वो आपकी कलर स्कीम हो, आपकी हो, दे आर मोर टुवर्ड्स द अर्दी कलर्स जहां तक मैंने इसमें, तो आपकी कौन सी एलिमेंट ऐसे है जहां पे आप खोज कर रहे हैं वन एज ऑफ नाउ? मतलब व्हाट इज दैट, क्या ढूंढ रहे हैं, क्या खोज कर रहे हैं, व्हाट इज दैट पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन सेइंग दैट यू नो यू गेट दैट किक लाइक ओके डन. एंड सेकेंड इज उसी के आधार पर ऐसा कि
ऐसा कोई सब्जेक्ट या ऐसा कोई चीज है या ऐसा कोई लेवल ऑफ एक्सप्लोरेशन है जहां पे आप अभी तक गए नहीं, एंड लगा कि यार यहां पे जाना चाहिए? बड़ा ही सुंदर हो रहा है ना, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है आपका, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। देखो कभी कभी आपने बड़े सुंदर तरीके से मेरे काम को एनालिसिस किया हुआ है। मेरे फॉर्म में कहीं पे ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर आपको दिखता है, ट्राइंगल का फॉर्म, सर्कल। तो कभी कभी मैं ऐसा भी सोचता था कि जैसे आप बाहर सेटल्ड हैं, ठीक है, थीके? तो आप एक स्पेस में रहते, दैट इज ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, आपके घर का फॉर्म जो भी रहेगा, स्क्वायर, ट्राइंगल, वट एवर। आई एम लिविंग इन कश्मीर, तो यहाँ पे मोस्टली घर ट्राइंगल्स शेप है, ठीक है। इंडियन कंटेक्स्ट में इट हैज अनदर मीनिंग, ट्राइंगल इज फॉर फायर, फायर सिंबल, यू नो, आप तो जानते ही हैं। तो मैं कभी कभी सोचता था घर पे बैठे हुए कि हम इन छोटी छोटी स्पेस में बंधे हुए हैं, बट आकाश कितना अनंत है। तो हम सबको बांधने वाला जो फैक्टर है, दैट इज द स्काई, यू नो, दैट स्पेस। तो समटाइम मैं सोचता हूँ, वट वट इज दिस स्पेस इज ऑल अबाउट? इट इज आउटसाइड, इट इज इनसाइड, इट इज एवरीवेयर, यू नो। फिजिकल स्पेस वी हैव इन द कैनवस, बट आउटसाइड इज ऑल्सो स्पेस, करेक्ट, यू नो। इट्स एक ऐसी ऐसी सच है जिसका कोई अंत नहीं है, यू नो। इट्स इट्स बिल्कुल लाइक यू आर सर्चिंग समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, आई टेक एज एन ह्यूमन, ह्यूमन लेवल पे बात करता हूँ, ठीक है। हम भी फिजिकल स्ट्रक्चर में बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन साउंड से हम बात करते हैं। ये कौन सा है जो सुनता है, जो बातें करता है, जो देखता है? आंखें हमारी विजुअल ऑपरेटर्स हैं, बट व्हाट इज दैट विच इज सीइंग? सो दिस काइंड ऑफ अ थॉट प्रोसेस हैपन्स, यू नो, विद इन मी। सो आई काइंड ऑफ एक्सप्लोर दिस थिंग इन ऑन ए सटल लेवल। तो जब मुझे लगता है कुछ किसी मूवमेंट पे, नाव मोरा एक्सप्रेशन कहीं पे मुझे लग रहा है मैं भर गया हूँ, देन आई स्टार्ट पेंटिंग। तो या पेंटिंग होता फॉर दैट मोमेंट पे इट हैपेंस। या है या एंड तो इज देयर मोस्टली एनी आपने इंटरेस्टिंग बात की हाँ है, आप ऑब्सेशन के बारे में बात कर रहे थे, कंटेम्प्रेरी में टर्म है अमूर्त और यू नो ऑब्सेशन। मैं जब भी किसी क्रिटिक या आर्ट हिस्टोरियन को पढ़ता हूँ, वो भी ऑब्सेशन को, ऑब्सेशन इन इन कॉन्टेक्स्ट विद यूरोपियन आर्ट के साथ रिलेट करते हैं, जो मुझे लगता है टोटली गलत है। हम यहाँ पे इंडिया में हैं या किसी भी स्पेस में है, वहां पे मैं किस सराउंडिंग में रह रहा हूँ, किस स्पेस में रह रहा हूँ, किन लोगों के साथ रह रहा हूँ, क्या मेरी थिंकिंग परसेप्शन है। हम हमेशा रिलेट करते हैं बाहर, रिलेट करना, बिकॉज वी लिव इन रिलेटिव एग्जिस्टेंस, वो करना जरूरी है। लेकिन यहाँ का सच भी तो जानो, यहाँ पे क्या घटा है, क्या हुआ है, और किस माहौल में आदमी क्रिएट कर रहा है। ऑब्सेशन तो हमारे यहाँ पहले थी, कई साल, मतलब वर्षों पहले से ऑब्सेशन यही पैदा हुई है। इट्स बिल्कुल, नॉट यू नो इट्स नॉट अ फॉरेन यहाँ पे, कॉन्सेप्ट। इट्स नॉट अ फॉरेन। या नहीं, आपने वो बात बहुत सही कही कि हम वेस्टर्न को एक रेफरेंस ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ रिलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, रिलेट क्योंकि नहीं करना, हमारी रिलेट नहीं करना, आध्यात्मिक विरासत, हमारी वेदास, ए दशावतार इटसेल्फ इज अ वेरी बिग राइट। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। यू नो सृष्टि, स्थिति और लय, इसमें इट इज द बेस्ट बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन थ्योरी। मतलब हमारी वेदास हो, हमारी आध्यात्मिक विरासत हो, या हमारी जो वट एवर इट इज, इसमें हमको रेफरेंस किसी और लेने की जरूरत नहीं है इसमें। एंड ऐसे ऐसे दिग्गज कलाकार होके गए जिन्होंने हमारे यहाँ के खुद के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके बारे में उतना लिखा नहीं है या उतना उनके पास। मैं वो चीज तो है, मैं अग्री करता हूँ, ऑब्जर्व भी करता हूँ मैं, कि पाश्चात में जितना उन लोगों ने उन्होंने उनकी कलाकार के बारे में लिखा है, रखा है, उसको प्रिजर्व किया, उसको प्रमोट किया है, उसको ये किया है, उतना हमारे भारत देश के नहीं हुआ वहां पे। होना चाहिए, मेरे ख्याल से आगे इसमें होगा। इसमें वन मोर थिंग, मुझे बहुत ये लगा, आप इतना एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, वेराज आप कभी कभी ब्रेक डाउन करने के लिए आप एक रियलिस्टिक वर्क भी करते हैं, कुछ स्टिल लाइफ किया, कुछ फिगरेटिव किया, कुछ किया। ओके ना, उसी यहाँ पे एक कोई भी स्टिल लाइफ हो, कोई भी फिगरेटिव हो, वो एक एक रेफरेंस्ड फॉर्म है या रिलेटिव फॉर्म है, या तो उसको एक एक फॉर्म है जो आप सामने क्या देखते हैं उसी को रेफरेंस लेके करते हैं।
उसमें, राइट करेक्ट। लेकिन इट इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज व्हेन यू हैव टू ब्रेक दैट फॉर्म एंड गो फॉर द फॉर्मलेस, राइट करेक्ट। या सो इस एक्सरसाइज को आप कैसा देखते हैं एंड हाउ डू यू एक्सपीरियंस दैट, जहां पे वेयर यू 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 क्रिएट वर्क दैट हैज अ पर्टिकुलर फॉर्म्स बट देन यू हैव टू ब्रेक दैट फॉर्म्स एंड गो फॉर अ फॉर्मलेस वन। ये एक्चुअली ये एक्सरसाइज स्टूडेंट को भी कभी कभी मैं देता हूँ कि आप पहले चीजों के ऑर्डर को समझो, उसका फॉर्म, उसका डायमेंशन, उसका कलर, उसका बेसिक नेचर, फिर उस बेसिक नेचर को समझ के उसके रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, मीन टू से दैट टू अंडरस्टैंड द ऑल पर्सपेक्टिव ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, उसके बाद वो फ्लाइट लेने के लिए जैसे फॉर्म को सिंप्लीफाई करना है आपको स्टिल लाइफ। अगर आप, मैं वेस्टर्न रेफरेंस में बात करूं तो मोंद्रियन का अगर काम देखेंगे आप, ठीक है, तो उसका रियलिस्टिक लैंडस्केप हर चीजों से गुजर कर वो एक सिंपल फॉर्मुलेशन पे आ गया जहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। अगर कोई ऐसे काम देखेगा तो वो बोलेगा ये क्या किया हुआ है, लेकिन इफ यू गो बैक टू द प्रोसेस यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ थिंग एक्चुअली हैपन, इट्स नॉट यू नो इमीडिएट जो यहाँ पे अब्स्ट्रैक्शन करते हैं कि 2 मिनट में थोड़ी चीजें समझ आई और उसको फैशन की तरह लिया कि आजकल अब्स्ट्रैक्शन सेल हो रहा है तो लेट्स डू अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, वैसा नहीं होता है, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है आपको। तो बच्चे उस प्रोसेस को समझते हैं धीरे धीरे, तो जैसे जैसे वो प्रोसेस को समझते हैं तो फॉर्म को सिंप्लीफाइड और मतलब उसकी जो शेप है, फॉर एग्जाम्पल स्टिल लाइफ में हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं बॉटल की शेप, तो उसको वो शेप से लिबरेट करना सीखते हैं, वो स्टिल लाइफ ना रहते हुए भी स्टिल लाइफ रहेगा, करेक्ट, यू अंडरस्टैंड दैट स्टिल लाइफ कैन बी प्रोजेक्टेड विद इन 2 or 3 लाइन, नो नीड टू मेक अ बॉटल। तो एज यू करेक्ट, ग्रो यू नो योर लैंग्वेज ऑटोमेटिकली डेवलप। या। एंड आपके वर्क ऑफ आर्ट में आप ज्यादातर से छोटे, व्हाट्स द साइज ऑफ योर आर्ट वर्क्स यूजुअली? ये 6 by 7, ऑल काइंड ऑफ वर्क, 4 by 8, ऑल काइंड ऑफ वर्क, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बड़ा कैनवस करते हो, काम खैर छोटा बड़ा नहीं होता, आप टोटली उसमें फ्लो करते हो, लेकिन बड़ी स्पेस पे आपको लगता है कि आपका एक फिजिकल स्ट्रक्चर, उसका एक एक साइज है, उससे बड़ी स्पेस करते हो तो आपके चैलेंज थोड़े से और बढ़ जाते हैं, उसका एक अपना मजा है, स्मॉल वर्क्स का अपना मजा है। जी जी व्हाट इज द नेक्स्ट सीरीज ऑफ वर्क दैट यू आर प्लानिंग? एक्चुअली आई डोंट डू एक प्लानिंग, ऐसा कोई आई स्पेसिफिक? अच्छा, आप फ्लो में निकल डोंट जाते हो। प्लान, या विद द मूवमेंट आई प्लान, बिकॉज़ इट डजंट मूवमेंट आई प्लान, इट डजंट मेक इट विल नॉट बिकम ए एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, एब्स्ट्रैक्ट कम्स आउट ऑफ प्लानिंग, इट्स अ फ्लो, सो एज आई अंडरस्टैंड थिंग्स, व्हेनेवर आई फील लाइक टू पेंट आई पेंट, व्हेनेवर फील लाइक टू राइट आई राइट, सो इट्स आई एम गोइंग विद द फ्लो, आई एम एंजॉयिंग एवरी बिट ऑफ मोमेंट ऑफ लाइफ, या वेदर इज ए डार्क पीरियड अ गुड पीरियड, इट डजंट मैटर टू मी, आई विटनेस द थिंग एज इट इज। इज देर एनी स्पेसिफिक और ऐसे कोई चीज है जो, मतलब हमारी डिस्कशन में नहीं रही, लेकिन ऐसे कोई पॉइंट है या ऐसे कोई आर्ट के बारे में एक पहलू है जो आप शेयर करना चाहेंगे? इट कैन बी एज एन आर्टिस्ट, इट कैन बी एज एन राइटर, इट कैन बी एज अ टीचर, वट एवर इट इज। मैं यही कहना चाहता हूँ, कहीं भी थ्रू आउट आर्ट कॉलेज के स्टूडेंट्स या आर्टिस्ट को, आप कॉपी कैट कम बने, अपनी ओरिजिनलिटी को खोजें, खोजें, ठीक है, क्योंकि कॉपी कैट बनेंगे तो यू विल नॉट सस्टेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, अल्टीमेटली आपको अपने आप की जवाबदारी खुद को ही देनी है, तो खुद के भीतर अगर आप जाएंगे तो आप जो बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, आपके भीतर की जो भी पैशन है उसको उसको जानने का प्रयास करें। इसके ऊपर, इसके ऊपर छोटा सा लिखा भी है कि काम करने के प्रोसेस में क्या बनाते हो या क्या बनता है, क्या बनाते हो या क्या बनता है, ये मायने नहीं रखता, आप बन गए ये मायने रखता है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, तो हमें बनने के प्रोसेस में धीरे धीरे खुद को डेवलप करें, और जैसे सीखेंगे उस अंडरस्टैंड को, जैसे आप शेयर कर रहे हैं वहां पे बाहर कंट्री में बैठ के, योर हार्ट इज पल्सेटिंग फॉर इंडिया,
दैट्स ब्यूटिफुल थिंग अबाउट यू एज ए ह्यूमन बींग. यू आर डूइंग योर वर्क. सो एज ए आर्टिस्ट वी शुड ऑल्सो यू नो दिस एक्सपेंशन को बढ़ाना चाहिए, शेयर करना चाहिए जितना हो सके. जितना हम शेयर करेंगे मे बी आउट ऑफ डिस्कशन किसी किसी की बात बन जाए, किसी को समझ आए, वो और एक्सप्लोर हो जाएगा अपनी लाइफ के बारे में, और सीरियसली थिंक आउट कर पाएगा वो. बहुत सही कहा राकेश जी आपने। हम तो देश से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर से देश को कैसे निकालोगे। कैसे निकालेंगे सही बात है ना इसमें। बट एनी वे आई थिंक आई हैव टेकन अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ योर्स राकेश। थैंक यू वेरी मच। आई विल वंस अगेन इनवाइट यू फॉर अनदर राउंड ऑफ डिस्कशन विद अनदर राउंड ऑफ बॉडी और अनदर राउंड ऑफ डिस्कशन फॉर फॉर एब्स्ट्रैक्शन जहाँ पे हम करेंगे उसमें। Yeah. So thank you very much for spending your time with us and sharing your experiences and sharing your thoughts. It's been a pleasure talking. Thanks a lot. You invited me and I really feel wonderful talking with you because aisa laga ke painting hi ban rahi thi. Discussion hoti rehti hai. Thank you very much. Thank you. Thank you. Yeah. Thanks a lot. So friends, this was Rakesh Kumar from Jammu. And आपने सुना उनकी बातें, उनकी सोच, उनकी प्रोसेस, उनकी ओपिनियन राय सब। Do let us know what you think about this discussion. Like, share, comment, and subscribe channel. We are artists, and thank you very much for being with us. Thank you, Rakesh, once again. Thank you. Thanks a lot.